हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि आप गाजर का हलवा किस तरीके से बना सकते हो, बिल्कुल देसी और सिंपल स्टाइल में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए गाजर। तो गाजर को आपको क्या करना है, ऊपर से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। मैंने क्लीन कर लिया है इनको, इनका जो छिलका होता है और हल्के हल्के से जो इनके ऊपर जो रेसे होते हैं उनको निकाल देना है आपको। और अच्छे से इसको दो बार वॉश कर लेना है। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है इसको क्लीन करने के बाद में। और उनका कर लेना है आपको इस तरीके से कद्दूकस, इसको आपको घिस लेना है, जो कद्दूकस घिसने वाला होता है उससे। तो इस तरीके से आपको कर लेना है इसको कद्दूकस। और इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाओगे तो काफ़ी टेस्टी भी होता है और काफ़ी दिन तक चलेगा भी, आपका ख़राब नहीं होगा जल्दी से। क्योंकि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उससे क्या होगा कि आपका जो गाजर का हलवा है वो काफ़ी दिन तक टिका रहेगा, ख़राब होने के चांस कम से कम रहेंगे। और ज़्यादा चीज़ें आपको ऐड ना करते हुए इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आपको कद्दूकस कर लेना है गाजर को अच्छे से। तो सबसे पहले कद्दूकस कर लिया है मैंने पूरी गाजर को यहाँ पे। तो सबसे पहले हम गाजर को यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से साफ़ करने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में दूध गर्म कर लिया है, मैं चूल्हे पर बनाना सिखा रही हूँ आपको। तो 3 किलो गाजर थी, 3 किलो गाजर में मैंने 1.5 केजी यानी कि 1.5 केजी मैंने इसमें दूध ऐड कर लिया है, 2 1.5 किलो। तो उसको आप गर्म कर लीजिएगा पहले अच्छे से, थोड़ा सा उसमें उबाल आ जाने दीजिएगा। उबाल आ जाने के बाद में आपको जो गाजर आपने कद्दूकस करके रखा है उसको ऐड कर देना है आपको इसमें। और अच्छे से आपको चलाते रहना है चूल्हे की जो आँच है उसको आपको कम मीडियम फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा आपको तेज़ नहीं करना है उसको। और जब तक बाकी की जो बची हुई गाजर है, आधा कद्दूकस करके मैंने उसमें डाल दिया था, जो आधी बची हुई है उनको मैं धीरे धीरे कद्दूकस करके अच्छे से मैं इसमें चलाती रहूँगी। तो आधी मैंने पहले से उबाल लिया था ताकि एक साथ, अगर आपके पास कढ़ाई छोटी है और इतना आपके पास गाजर का हलवा आपको ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधी गाजर को पहले उसमें डाल दिया था दूध में, और आधी मैंने अभी बाद में डाला है। अब इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको चलाने के बाद में अच्छे से आपको दो चीज़ ऐड करनी है इसमें और। तो एक पका हुआ नारियल जो बोलते हैं उसको, गोला जो बोलते हैं वो, और एक आपको ऐड करना है इसमें थोड़ा सा खोआ। खोआ मेरा घर का बना हुआ खोआ है ये, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे आई हुई हूँ तो वहाँ पे ये मैंने रेसिपी बनाई है। तो हमारे खुद के घर का दूध का बना हुआ, भैंस के दूध का बना हुआ खोआ ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अब आप देख सकते हो कि गाजर की जो क्वांटिटी है वो पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा इसको चला लेना है काफ़ी हल्के हल्के हाथ से। और चूल्हे की जो आपको आँच है उसको थोड़ा कम करना है, ज़्यादा आपको नहीं रखना है, नहीं तो आपकी गाजर लगने लग जाएंगी। और यहाँ पे इस तरीके से आपको कढ़ाई के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा उसको छुड़ा देना है, जो गाजर चिपक जाती है उसको निकाल देना है उसमें से, कढ़ाई में से। तो उसको इस तरीके से आप चलाते रहिए बीच बीच में, और धीरे धीरे चलाने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा खोआ, जो घर का बना हुआ खोआ वो मैं बता रही हूँ आपको। और ये है गोला, तो इसको कद्दूकस कर लेंगे सबसे पहले गोले को हम, और इसको फिर ऐड करेंगे गाजर के हलवे में, जो हमारा ऑलरेडी बन के आधे से ज़्यादा 100 में से 80% तैयार हो चुका है। और यहाँ पर ले लिया मैंने शुगर। तो शुगर आप देख सकते हो 3 किलो गाजर है, तो उसमें कम से कम तो आपको उसमें 1 किलो शुगर ऐड करना ही करना, 1 किलो से थोड़ा कम करना है ऐड, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता तो उसके बाद खा नहीं पाते। तो आपको मीडियम ही मीठा करना है उसमें। तो यहाँ पे मेरी गाजर का आधा से ज़्यादा पानी वगैरह बिल्कुल जल चुका है और दूध भी बिल्कुल उसमें जल चुका है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो जैसे कि। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे शुगर, और अब इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। तो इसको आपको धीरे धीरे मिक्स कर लेना है चलाते हुए हल्के हल्के हाथ से। और जो गैस की जो फ्लेम है आपकी, ये चूल्हे पे आप बना रहे हो, गैस पे बना रहे हो, तो उसको थोड़ा सा कम कर देना है आपको, ताकि आपका गाजर का जो हलवा है वो लगे नहीं नीचे और उसमें से एक गंदी सी स्मेल ना आए। तो इस तरीके से आपको चलाते जाना है धीरे धीरे। और ये देसी स्टाइल में बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने घर पर आई हुई हूँ तो यहाँ पर चूल्हे पर मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो शक्कर अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स हो चुकी है इसमें। तो आपको इसको और चलाना है अभी थोड़ी देर के लिए, और आपको क्या क्या ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। और शक्कर पूरी तरीके से जल चुकी है, मैंने कैमरा पकड़ के रखा है, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो मम्मी अब इसमें ऐड कर दिया है, मम्मी ने इसमें ऐड किया है जो खोआ मैंने बना के रखा था हमने वो वाला। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से सबसे पहले हम, क्योंकि इसका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक जगह पर रह जाएगा तो गाजर का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से पहले।
और मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर, उससे क्या थोड़ी सी जो गाजर के हलवे की जो स्मेल है वो चली जाएगी, और चूल्हे की जो आँच है उसको थोड़ा कम कर देना है। और अब यहाँ पे जो खोआ था वो मिक्स हो चुका है अच्छे से, तो आधा कद्दूकस किया हुआ गोला मैं पहले ऐड कर दूँगी, आधा मैं बनने के बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा बन के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आधा मैंने गोला पहले इसमें ऐड कर दिया था, आधा मैंने बाद में ऐड किया, इससे क्या थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आएगा। और आपको इसमें और क्या ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो, जैसे किशमिश आपको ऐड नहीं करनी है, उससे जल्दी ख़राब हो जाता है आपका गाजर का हलवा, तो किशमिश आप ऐड मत कीजिए। और इसमें काजू बादाम वो ऐड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कैसा लगा आपको मेरा गाजर, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको मेरा गाजर का हलवा कैसा लगा। और इस तरीके से आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। किशमिश अगर डाल दोगे तो जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइए।